बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनएस किचन। और आज हम बना रहे हैं जबरदस्ती फ्राई भिंडिया। तो चले आए, लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। हमने एक पैन ले लिया है और ऑयल डाल दिया। ऑयल के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज, प्याज को हमने डाल दिया और प्याज को हमने हल्का सा कर लिया फ्राई। और जनाब आज बहुत ही मज़ेदार बढ़िया सी मंडी बनने जा रही है, गर्मियों की ख़ास सौगात। तो चलें इसको करते हैं तैयार। और दूसरी तरफ हम रख देंगे लेमन। और अभी जो है ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें भिंडिया जो हमने काट के रखी हुई है वो हम इसमें डाल देंगे। एक हम इसमें ऐड करेंगे चेक करने के लिए। ये हमारा प्याज जो है इस तरफ से ये ब्राउन हो जाए, हम इसमें बाकी चीज ऐड करेंगे। ये हमने दूसरी तरफ कढ़ाई रख दी, ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें मैं डाल दूंगी ये कटी हुई भिंडिया और इसमें जाएगी अभी भिंडिया। इसको करेंगे हल्का सा फ्राई। इधर हो रहा है जनाब यारी प्याज हमारा, इस तरह से हमने प्याज को कर लिया फ्राई। ये थोड़ा सा और हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। और बाकी ये प्याज हो चुका है इस तरीके से ब्राउन। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी 4 कटे हुए टमाटर और इसमें मसाले जाएंगे, कुछ बिल्कुल बेसिक मसाले, नमक, हल्दी और सुरख मिर्च इसमें ये ऐड कर देंगे। पानी खुश्क जब तक करते हैं तब तक मैं इसको कर दूंगी कवर, लिड कर दूंगी इसको। और जो ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ये जो भिंडी हम फ्राई कर रहे हैं, भिंडी फ्राई भिंडी जो है इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। गाइस ये भिंडी इतनी सी फ्राई हो चुकी है और अभी हम जो है ये भिंडियाँ हमारे बिल्कुल मुताबिक फ्राई हो चुकी है जितना हमें इसको फ्राई करना था। ये जो हमने मसाला तैयार किया है इसके लिड उठाएंगे और ये फ्राई भिंडियाँ जो है इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ये हमारा जो है इस तरीके से इसमें मैंने ऐड कर दिया। बाकी जो हमारे पास भिंडी बच गई है उसको भी मैं फ्राई कर लूंगी और इसको उस भिंडिया को भी फ्राई करने के बाद इसी में ऐड कर दूंगी। यहाँ पर हमारी सारी भिंडी फ्राई हो चुकी है, सारी भिंडी मैंने इसमें डाल दी। इसमें मैंने ऐड कर दिया ये कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। अभी इसमें लीमू जो है लीमू का रस ऐड कर दूंगी। जो इसके जायके को दुबाला कर देगा। ये भिंडी तैयार हो चुकी है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयार है ये। इसको चपाती के साथ आप खाएं। ये भिंडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप इसको रोटी चपाती
के साथ बनाएं और इसके साथ तनावल करें, और हमारी इस रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नई किसी रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।